फैक्टर सबसे पहले पाकिस्तान कराची में एक बहुत बड़ा मसला जो है सामने आता रहा सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से। कुछ सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो बैंक को रातों रात सफाया करके बैंक का निकल जाते थे, और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे होते थे जिनसे गन ही नहीं चलती थी, कोई मसला आ जाता था। अरे हमजा, ये शहर जो है ना स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से हमेशा बड़ा शहर है और उसके बड़े मसाइल हैं। तो स्ट्रीट क्राइम्स उसके बड़े मसलों में से एक मसला रहा है। ये आपको याद हो पिछले दिनों हमने वो एक ये भी किया था कि मुख्तलिफ फूड आउटलेट्स के भेस अपनाए हुए जो डिलीवरी बॉयज हैं उनका रूप अपनाए हुए भी लोग जो हैं वो इस तरह की वारदातें करते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं वो बड़े इनोवेटिव हैं, वो कोई ना कोई नया रूप भेस धार लेते हैं और उसके साथ ही मसला जो है दोबारा हमें नजर आता है। इस वक्त जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स की, जैसे हमजा ने आपको बताया है कि मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस है और उसके लिए खुसूसी वेरिफिकेशन सेल कायम कर दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड्स की वेरिफिकेशन से मुतालिक खुसूसी सेल ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज एसोसिएशन के दफ्तर में कायम किया गया है और वेरिफिकेशन सेल में नए भर्ती होने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के साथ साथ नादरा वेरिफिकेशन भी की जाएगी। हाँ जी, बहुत अच्छा एक जो है इकदाम है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका रिकॉर्ड तो मौजूद हो, उनकी वेरिफिकेशन तो हो, और सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती के लिए दस्तावेजात की जांच पड़ताल और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के बाद ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। और कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का इस हवाले से कहना है कि सेल का कंप्यूटराइज सिस्टम नादरा और सीआरओ से मुंसलिक कर दिया गया है। बिल्कुल सही, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर फहीम सदीकी साहब, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या ओपिनियन इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम फहीम सदीकी साहब, फरमाइएगा कि ये जो सेल बनाया गया है ये कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे काम करेगा और इसे जराइम पे काबू पाने में क्या मदद मिलेगी? देखिए, कम से कम अगर 20 साल पहले मैं चला जाऊं इस सारी सूरत हाल को लेके, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो है मुख्तलिफ जुराइम में मुलविस होते हैं, बैंक्स लूट लेते हैं, दीगर जुराइम कर रहे होते हैं, अनट्रेंड होते हैं, असला नहीं चलता है और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, तो यही वाली बात जो अभी आपने इस खबर में बताई है, यही बात जो है आज से 20 साल पहले भी मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। ना कराची पुलिस नहीं है, ना एप्सा नहीं है, जो ऑल प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की जो तंजीम है ये नहीं है, ये सब जो है ये पहले भी करते रहे हैं, पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं और उसके बाद जो है हम उनको फ्लैश भी करते रहे हैं, उनके ऊपर प्रोग्राम्स भी होते रहे, लेकिन असल बात यह है कि आज भी इस शहर में अगर पुलिस के मतवाजी कोई फोर्स मौजूद है, पैरेलल कोई फोर्स मौजूद है जो किसी हद तक ट्रेंड भी है कि कम अज़ कम कुछ लोगों को सही असला चलाना तो आता है, तो वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की ये फोर्स है। लेकिन हमने ये देखा है कि इस शहर में इस शहर की जो सबसे बड़ी बैंक डकैती थी ना हमजा, वो भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने ही की थी और कई सालों तक उनका पता नहीं चल सका था कि वो कौन लोग हैं, कहाँ गए वारदात करने के बाद। बहुत इत्तेफाक से किसी और वारदात के मुलजिमान पकड़े गए तो पता चला कि वो मुलजिमान भी यही थे और उसके बाद जो वो रकम लेकिन फिर भी बरामद नहीं हो सकी, मुलजिमान गिरफ्तार हुए। तो ये बातें हम सुन रहे हैं, बहुत अरसे से सुन रहे हैं, इस दफ़ा फिर इन्होंने ये कर लिया, देख लेते हैं इसके नतज क्या आते हैं। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मुतवाजी फोर्स से मुतालिक एक एक रिकॉर्ड जो है ना वो इदारों के पास होना चाहिए, एप्सा के पास भी होना चाहिए और साथ साथ पुलिस और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह डेफिनेटली यही है कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनके मालिकान बहुत ताकतवर मालिकान हैं। इसमें ना सिर्फ ये कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है बहुत हद तक जो है वो फिर कमज़ोर पड़ जाता है, जो सूबाई वजारत दाखिला है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, और ज़ाहिर वफाकी वजारत दाखिला भी किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के क्याम में जो है उसका भी बहुत अहम रोल होता है, लाइसेंस दिया जाता है, सब होता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमने ये देखा है कि जब भी कोई वारदात हो जाए, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड उसमें मुलविस करार पाए, तो जिस नोयत की कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड तक ही मामला रहता है, उसके जो मालिकान हैं उन तक बात जाती नहीं है, ना उनका लाइसेंस मंसूख किया जाता है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। जिस शख्स को नुकसान होता है, बैंक हो या कोई और हो जहाँ आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं, उनका नुकसान भरने की कोई बात होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जो ये इन्होंने सेल बनाया है, इस सेल को हम तो ज़ाहिर खुशाइन कहेंगे, हम इस शहर में रहते हैं, हम तो चाहेंगे कि इस नौयत की चीज़ें हों, इस शहर के लोगों को जो है वो सुकून मिले, क्राइम से बचें वो, लेकिन फिर मैं वो यही कहूँगा कि एक एक रिकॉर्ड जब तक इदारों के पास नहीं होगा, आपको इस शहर को इस मुतवाजी फोर्स से ख़तरा रहेगा। बिल्कुल ठीक है, एक एक का जो रिकॉर्ड है इसके लिए हमें काफ़ी वक्त भी दरकार होगा। आप क्या समझते हैं कि उतने वक्त तक जो है ये कराची पुलिस की उतनी ही कोशिशें तेज़ रहेंगी जितनी आज हैं, या आज ऐलानात कर दिए गए हैं, या वक्त गुजरने के साथ साथ वो कोशिशें भी मध्यम पड़ जाती हैं और फिर से अपनी मर्ज़ी से एजेंसी सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लेती हैं?
हमजा आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन अगर मैं ये देखूँ ना कि इस फोर्स की तादाद क्या है, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर तो इस वक्त याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ा सा याद है 20-22 हज़ार की तकरीबन ये फोर्स बनती है, जो मुख्तलिफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के जो गार्ड्स हैं उनकी फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये बनती है। और कराची पुलिस की तादाद कोई 33-35 हज़ार वो बनती है। तो ये इस तरह की एक मुतवाजी फोर्स है, मैं इसलिए इसे कहता हूँ मुतवाजी फोर्स। तो जब आप इनको जो है इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने जाएंगे तो जाहिर है उसमें ताखीर होगी, फौरन एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। फिर आपने इसमें यह भी कहा, और मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, आपने ये भी कहा है जनाब कि जो नए आएंगे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। भाई जो पुराने हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी तो आप दोबारा से चेक कर लीजिए। कई कई सालों से मुख्तलिफ एजेंसीज में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहे हैं, एक एजेंसी छोड़ते हैं दूसरी में चले जाते हैं, दूसरी छोड़ते हैं तीसरी में चले जाते हैं, साथ में एक लेटर ले जाते हैं कि जनाब मैं तो फलां जगह पर सर्व करके आया हूँ। तो ये सारी बातें, लेकिन एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चले हमने इनको क्रिटिसाइज तो कर लिया कि यार सिक्योरिटी गार्ड जो है वो क्राइम में भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो क्राइम में इन्वॉल्व होते क्यों हैं, इसको भी तो थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है ना। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी अपने क्लाइंट से किसी भी सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर जो रकम लेती है उसका कितने परसेंट जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को देती है, वो सिक्योरिटी गार्ड जो आपको 24-24 घंटे के लिए एक ही जगह पर खड़ा कर देते हैं आप, उसको ना तो वो ट्रेंड है, ना उसे खाने के लिए मिल रहा है, ना उसे कोई और प्रोवाइड चीज सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, और उससे उसको जो है आप 13,000-14,000-15,000 रुपए दे रहे होते हैं, क्लाइंट से आप 30,000-40,000-50,000 रुपए ले रहे होते हैं। तो ये वाली सिचुएशन भी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर भी बेसिकली देखने की जरूरत है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को जो क्लाइंट से आप ले रहे हैं उसके मुताबिक उनको कोई सैलरी मिलनी चाहिए। तो जाहिर है जब आप उस शख्स के हाथ में असलाह दे देते हैं और वो शख्स जो है जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये कल्चर ही हमने क्यों इतना परवान चढ़ाया कि जहाँ पे एक प्राइवेट जो है इदारा खुले जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भर्ती करे और फिर वहाँ से वो अपना बिजनेस और अपना रोजगार तो कमाए, लेकिन ना तो वो उसका पास ऑन करे मुनासिब माकूल मुआवजा आगे, और ना ये बेसिक जिम्मेदारी तो रियासत की है। तो रियासत अगर रेगुलेट भी नहीं कर सकती इनको, रजिस्टर भी नहीं कर सकती और रिकॉर्ड भी नहीं मेनटेन कर सकती और ख़ुद भी सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकती, तो फिर मुझे कोई आप होपफुल नहीं लग रहे इस निज़ाम से भी जो कि अभी बनाया गया। तो क्या सजेशन है आपके पास कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो उसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, सिक्योरिटी देना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन यहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पे जो किया जाता है वो आपको भी पता है मुझे भी पता है। ये लोग जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ये सिक्योरिटी एजेंसीज जिन लोगों को हायर करती हैं उन लोगों के ऊपर अगर हम ये तवक्को कर लें कि वो आपको 100% सिक्योरिटी देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी अब जो सिचुएशन है जिसमें जो है ना ये सब करने की ज़रूरत पेश आई है कि इन्होंने पूरा सिस्टम लगाया, इसका मतलब ये है कि खुद भी डाउटफुल तो है ना, और ज़ाहिर रिकॉर्ड भी बताता है हमें कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो मुख्तलिफ क्राइम्स में मुलव्वस पाए गए। तो सिक्योरिटी फराहम करना जब रियासत का काम है तो रियासत को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए ना, उन इदारों को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए जो इस काम के लिए बनाए गए हैं, बजाय इसके कि आप वजारत दाखिला जो है वो सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है वो सपोर्ट कर रही होती है, उन्हें लाइसेंस दिया जा रहा होता है, कहने को ये है कि जनाब एक नया जो है वो रोज़गार मिलता है लोगों को फराहम किया जाता है, लेकिन असल में तो ये है कि इसका असल बेनिफिशरी जो है वो वही प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के मालिकान हैं। बिल्कुल ठीक है। फहीम सिद्दीकी साहब हमें ये भी बताएं कि अक्सर हम जब देखते हैं अपनी आंख से देखते हैं तो हमें इतने बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड नजर आ रहे होते हैं जो किसी भी डाकू चोर का पीछा तक नहीं कर सकते हैं, इतने एक्टिव नहीं होते हैं, क्या कोई उम्र की हद भी इनके लिए रखी जाती है उन एजेंसीज की जानिब से, या फिर कोई हद नहीं है जिसको मर्जी हायर कर लिया जाए, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है? देखिए इनके मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं और बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्रें जो 60 साल से भी तजावज़ कर चुकी होती हैं, जो अपनी जगह पे खड़े नहीं हो सकते, उनको जो है वो हायर किया जाता है, और उसके पीछे मकसद ये होता है कि जनाब हमने तो सिर्फ वर्दी पहना के इन्हें खड़ा करना है किसी जगह पर ताकि ये लगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है। भाई सिक्योरिटी इससे नहीं होती खाली, ठीक है ना, हम वो सिक्योरिटी स्टेट नहीं है जहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी नज़र नहीं आनी चाहिए सिर्फ लेकिन होनी चाहिए, हम वहाँ हैं जहाँ सिक्योरिटी नज़र भी आनी चाहिए। अब आप नज़र आने के नाम पे अगर ये कहें कि आपने एक यूनिफॉर्म पहना के एक शख्स को खड़ा कर दिया है और वो काफ़ी है सिक्योरिटी के लिए, इस हद तक कि जनाब कोई भी गार्ड कोई भी जब डाकू या कोई शख्स आ जाए तो उसे पता हो कि जो शख्स खड़ा हुआ है उसको सिर्फ वर्दी पहन के खड़ा हुआ है, उसको मैं सिर्फ धमकाऊंगा तो ये शख्स अपनी जगह से चला जाएगा, वो उससे असला छीनते हैं ले जाते हैं जो उसके पास असला होता है। मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ है वारदातों में कि मुलजिमान जो है सिक्योरिटी गार्ड्स का असला छीन के ले गए फरार हो गए। तो जब ये सिचुएशन हो तो जाहिर है हम उसके ऊपर बिलीव तो नहीं कर सकते कि यार ये हमें जो है 100% सिक्योरिटी देगा, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है,
उम्र का कोई तायुन नहीं होता, वो शख्स जो जिसे कुछ नहीं आता, जिसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही होती, उसे उसका कोई दोस्त जानने वाला किसी सिक्योरिटी एजेंसी में ले जाता है, कहता है कि जनाब यहाँ पे तुम्हारे लिए नौकरी मौजूद है, आ जाओ। वो भी कहता है कि हाँ ठीक है यार, 12,000-15,000 मिलेंगे, जब तक मिलेंगे, जब तक कोई नौकरी और नहीं मिलती मैं यही कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर बिलीव करने की, इस पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है हमें कि जनाब सिक्योरिटी गार्ड जो है हमें कोई सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, आपने एम्यूनेशन की बात भी की कि इन्हें मुनासिब जो है वो एम्यूनेशन नहीं दिया जाता। अगर गन मौजूद है तो गोलियां नहीं है, अगर दोनों मौजूद हैं तो वो जाम है, वो चलती नहीं है, या इन्हें ऑपरेट करना नहीं आता। इन तमाम मसाइल का क्या हल है और इसको कैसे इंश्योर किया जाए कि ये कम अज़ कम जो गार्ड खड़ा है वो इस काबिल भी है? अभी पिछले दोनों तो कराची पुलिस के भी कुछ हवालदार से या किसी अहलकार से जो है वो पिस्तौल छीन के फरार हो गए थे लोग। देखिए जाहिर है जब आपने सिक्योरिटी जैसा अहम फरीजा जो है इनके हवाले किया है तो डेफिनेटली इन्हें ट्रेंड करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए, असले के हवाले से भी होनी चाहिए, लोगों को शनाख्त करने के हवाले से भी होनी चाहिए। उन्हें ये भी तरबियत दी जानी चाहिए कि कौन सा शख्स मशकूक हो सकता है और कौन सा शख्स मशकूक नहीं हो सकता। मैं अगर अपने हवाले से एक वाकये का जिक्र करूँ, मैं एक दफ़ा गाड़ी में बैठ कर बीपर दे रहा था, मेरा गार्ड जो है उतर के पीछे खड़ा हो गया, पीछे आके कोई मोटरसाइकिल पर दो लड़के आके रुके, उसने उन्हें गोली मार दी एक को, वो ज़ख्मी हो गया। बाद में पता चला कि जाना तुमने गोली क्यों मारी, तुम्हें क्या मशकूक लगा? सर ये आपके पीछे आके मोटरसाइकिल पे रुके थे और इसने जो है अपनी शलवार में से जो है वो निकालने की कोशिश की थी कुछ, तो मैंने गोली मार दी। भाई उससे पूछा क्या कर रहे थे तुम, उसने कहा सर वो मेरा फोन बज रहा था, शलवार की जेब में रखा हुआ था, मैं वो निकाल रहा था। तो ये ट्रेनिंग का मयार है, उस शख्स को भुगतना मुझे पड़ा, उसकी सारी जो जख्मी हुआ उसको उसका इलाज मुआवजा मुझे भुगतना पड़ा, उसकी फैमिली को मैंने मुझे देखना पड़ा। तो ये वाली सिचुएशन है, तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, असलाह चलाना आना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा शख्स मशकूक हो सकता है, कौन सा शख्स मशकूक नहीं है। आप हर शख्स को मशकूक समझ के अगर उसके ऊपर गोली चलाने लगेंगे जैसे मेरे वाकये में हुआ तो इस शहर में आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। तो इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं जिसको हायर करती हैं उसको फौरी तौर पर असलाह नहीं देती, अगर असलाह दे देती हैं तो उसमें बुलेट्स नहीं देती, बुलेट्स दे देती हैं तो इस बात पर पाबंदी लगा देती हैं तुमने चलाना नहीं है, और वो फिर चलाता भी नहीं है, बैंक लूट जाता है, पूरा बैंक का सफाया हो जाता है, उसके पास असला मौजूद होता है, वो चलाता नहीं है। जी मुझे तो आगे से मना किया गया था कि मैं असला चलाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं, तो इनको बेसिकली बेहतर करने की ज़रूरत है। इदारे आपस में एक दूसरे को इनको थोड़ा सा मिलके चलना पड़ेगा, एप्सा को, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की जो तंजीम है उनको, और पुलिस को, दीगर इदारों को, तब जाके हो सकता है कुछ चीज़ें बेहतर हो। बिल्कुल, आप कुछ खासे पुर उम्मीद नज़र नहीं आ रहे, आपकी बातों से यही लग रहा है। फेम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, हिस्सा बने, और ये बड़ा मसला है। आप अक्सर गार्ड्स को देखें, मुझे इतना दुख होता है, अब ये किसी का रोज़गार तो लाजमन लगा है और रोज़गार के हम खिलाफ भी नहीं है, हम उसके खिलाफ बात भी नहीं कर सकते, लेकिन वो बुज़ुर्ग नहीं कर सकते ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब और वो बेचारे कर रहे हो, या कुछ और तरह की सिक्योरिटी जॉब्स कर सकते हैं जैसे गेट के अंदर एंड बाहर वाली साइड पे, अगर दोनों तरफ सिक्योरिटी है तो हो सकता है उन्हें अंदर वाली साइड पे लगाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो। लेकिन हमसा हमारे यहाँ कितने लोग रिस्पेक्ट करते हैं एज को, कितने लोग एक्नॉलेज करते हैं कि एक बंदे जो है उसको कहाँ पे लगाना जरूरी है, उसको उसके अगर जिस्मानी कोई खास उसकी मजबूरी है उसको कैसे अकोमोडेट करना है। और मुझे बहुत सारे ऐसे वाकयात भी याद आ रहे थे जहाँ पे गार्ड्स ने अपनी जाने दी है, हाँ जी ऐसा भी है, का भी कुछ नहीं बना, तो फिर एक अच्छी मिसाल तो नहीं जाती कि आप क्यों आगे बढ़ के जो है डाकू को रोकेंगे और वहां पे अपनी जान देंगे जब आपकी फैमिली जो है उसको लुक आफ्टर किसी ने नहीं करना, आपकी फैमिली जो है उसने मसाइल से दो चार होना है। सो हमें बहुत सारी इशू जो है इसको पूरा देखने की जरूरत है, इसे हल करने, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो इनिशिएटिव लिया गया है कराची पुलिस की जानिब से ये मुकम्मल भी हो और सारी वेरिफिकेशन हो, वाकई सर्टिफिकेट जो है जारी किए जाए ताकि जो कराची शहर के अंदर ये सिक्योरिटी गार्ड से मुंसलिक मसाइल हैं ये कम अज कम हल हो सके। हम तो पूरी उम्मीद है फेम सिद्दीकी साहब, बिल्कुल पूरी उम्मीद नहीं। अच्छा कभी आपने इस गोली का सामना किया जब किसी के साथ प्रोटोकॉल जा रहा और रोड के ऊपर जैसे वो आपको साइड मारते हैं, लेकिन वो आपको बड़ी बेरहमी के साथ साइड मारेंगे और उसके बाद वो आपको गन्स भी दिखाएंगे, आंखें भी दिखाएंगे, और वो प्रोटोकॉल जो है वो जा रहा होता है और वो प्राइवेट लोग होते हैं अक्सर सरकारी लोग, उन्होंने ना गन्स भी पीछे होती है, भाई ऊपर कर लो, पीछे वाला डरता ही रहता है अच्छा क्या होने वाला। खैर इस मामले से आगे निकलते हैं, बलूचिस्तान का रुख करते हैं, मादनियात की दौलत से हमारा ये सूबा जो है माल है, जहां समुद्री हयात के तहफ्फुज़ के लिए मस्नूई कोरल रीफ लगाने का अब एक मंसूबा बना लिया गया। बिल्कुल सही, महकमा माहीगीरी ने सूबे के 770 किलोमीटर लंबे साहिल पर समुद्री हयात और आबी निबातात के तनवों के लिहाज से आलमी हैसियत रखने वाले 30 से ज्यादा साहली स्टेशन का इंतखाब किया है।
जिन पर सीमेंट से बनी हुई मस्नूई मूंगे की चट्टाने जिन्हें कॉरल रीफ्स भी कहा जाता है लगाई जाएंगी, जो मछलियों और दीगर समुद्री हयात की अफजाइश में मददगार होंगी। मस्नूई मूंगे की चट्टाने इस मनसूबे के पहले मरहले के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने 4,85,00,000 रुपए मुख्तस किए। हाँ जी, और पहले मरहले में सीमेंट और सरिये के 330 देवहैकल जो मॉड्यूलर ब्लॉक्स हैं वो बनाए गए हैं, जिनके बाद ये जो क्रेन की मदद से समुंदर में इनको रख दिया गया। इन ब्लॉक्स को मखसूस फासले पर एक दायरे की शक्ल में रखा गया है ताकि एक तालाब सा बन जाए और इस तालाब नुमा जगह पर बारीक साइज के बड़े जाल लेकर गैर कानूनी शिकार करने वालों की कश्तियां दाखिल नहीं हो सकेंगी। अंदाजा करें जहां जहां इंसान के कदम और पांव पहुंचते हैं ना, वहां वहां बाकी तमाम जो हयात है उसको खतरा दोचार हो जाता है। सबसे बड़ा दरिंदा जो है ना इस अर्ज का वो इंसान ही है। हमें लगता है कि बाकी जानवर जो है वो खतरनाक है, लेकिन इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक है। सो दीगर इस इलाके की जो मछलियाँ और दीगर समंदरी हयात है इनके तहफ़ के लिए ये तमाम इकदाम जो किए जा सके, क्योंकि इनके नतीजे में मछलियाँ यहाँ पे अफजाइश नस्ल का काम भी कर सकेंगी, अंडे भी दे सकेंगी, जिससे हमें उनकी तादाद में भी इजाफा देखने को मिलेगा जो कि अब कम होती जा रही है गुजरने के साथ साथ। सो WWF के टेक्निकल डायरेक्टर मौज़म खान साहब से हम इस हवाले से बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा कि रीफ ये कैसे लगाए जाते हैं, कितने मौसर साबित होते हैं, देर नहीं कर दी हमने लगाने में, अभी भी ये इफेक्टिव साबित होंगे जितना जितना नुकसान हो चुका है? नहीं, ये तो किसी वक्त भी लगाई जा सकती थी, इसमें देर और जल्दी की कोई भी बात नहीं है कोरल रीफ्स जो या जो आर्टिफिशियल रीफ जैसे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने लगाई है, ये बहुत ही अप्रिशिएबल वर्क है। इसमें ऐसा है कि ये जो चट्टाने बनाई जाती हैं, ये मछली में एक ख़ास हैबिट ये है कि वो सॉलिड सबस्ट्रेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो ये समुंदर में एक आर्टिफिशियल हमने उनको सॉलिड सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर दिया ताकि उस इलाके में वो जमा हो सकें, वहीं ब्रीड कर सकें। और ये जो पत्थर की चट्टाने हैं इनमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो कि उसके ऊपर लगे होते हैं, जिनमें कोरल्स भी शामिल हैं, जिसमें बार्निकल्स हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो कि उन चट्टानों पर ग्रो कर जाते हैं, और उसकी वजह से एक माहौल बन जाता है, एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है जिस पर मछलियाँ और दूसरे जानवर फीड करते हैं। और इस तरह उस इलाके की ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि माहीगीरों को शिकार के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, अपने घर के करीब ही शिकार मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ पर ये हमारा जो मंसूबा है या हमारी एक कोशिश है कामयाब हो जाती है, तो दीगर कौन से इलाके हैं जहाँ पर मजीद कोरल रीफ लगाने की हमें ज़रूरत है और इसके लिए हमें कितना फंड चाहिए होगा? क्या हमारे पास पैसे होते हैं ये सब काम करने के लिए? नहीं, यकीन गवर्नमेंट के पास पैसे मौजूद होते हैं। ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में 330 ब्लॉक्स को एक जगह में लगाया है, और पाकिस्तान के साहिल पे वो तमाम इलाके जो फीचरलेस कहलाते हैं, जहाँ पे बॉटम जो है बिल्कुल स्मूथ हो और वहाँ पर चट्टाने नहीं हों, तो ये कहीं पर भी लगाया जा सकता है। तो हमारा जो कोस्ट बलूचिस्तान का है या पूरे पाकिस्तान का कोस्ट तकरीबन 1,050 किलोमीटर का, इसमें बेतहाशा जगह होंगी जहाँ पे लगाया जा सकता है। और इसके लिए बाकायदा एक सर्वे पहले किया जा चुका है कि कहाँ कहाँ पे लगाने की ज़रूरत है, लेकिन जीवानी से आगाज़ इसलिए किया गया है कि इस इलाके में जो ट्रॉलर्स थे वो पोचिंग करते थे और उन लोगों के माहीगीरी को बहुत नुकसान पहुँचता था। तो ना सिर्फ ये मछली की पैदावार में इसमें तआवुन करेंगे ये जो रॉक्स हैं, बल्कि वो जो गैर कानूनी शिकार होता था, ट्रॉलर्स आते थे, वो अब इस तरह इस इलाके में शिकार नहीं कर सकेंगे। तो मल्टीपल फ़ायदे हैं जो जिस पे, और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इस इलाके की बायोडाइवर्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। भी बताइएगा कौन कौन से ममालिक में ये तजर्बा पहले किया जा चुका है और कितना कामयाब रहा है, और ये यहाँ पर जहाँ पर आप बता रहे हैं कि ये लगा रहे हैं, इसके इसके क्या हमें सबरात आइंदा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं? ऐसा है कि आर्टिफिशियल रीफ्स जो हैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक में लगे हैं, अमेरिका इसमें सबसे लीड करता है, और इवन हमारे पड़ोस में यूएई के अंदर कई जगह पे आर्टिफिशियल रीफ्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, फिलिपीन है, इंडिया में भी कुछ जगह पे किया गया है। हम इस मामले में बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने अभी ऐसा नहीं किया, लेकिन हमने ये काम का आगाज़ कर दिया। इस इलाके में जो ज़रूरत इस चीज़ की, ये ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान एक इलाका है जो अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए पहले भी मशहूर था, लेकिन वहाँ के रिसोर्स रफ्तार रफ्तार श्रिंक होते जा रहे थे। तो इस रीफ बनाने से वो इलाका ना सिर्फ अपनी बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर कर लेगा बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और इस तरह माहीगीरों को शिकार के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने घर के साथ ही शिकार कर सकते हैं। ये जीवानी शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है, और इससे पहले ज़्यादातर माहीगीर जो थे तकरीबन कोई 25-30 किलोमीटर खुले समुंदर की तरफ जाकर शिकार करते थे। तो अब उनको उनके दरवाजे पर मछली मिल जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा इकदाम है जिसकी हर तरह से
अप्रिसिएशन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, अप्रिसिएशन होनी चाहिए, बड़ा अच्छा एकदम है। मौजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। वैसे तो हर जगह फूल छोटे छोटे खिलना शुरू हो गए हैं, नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं बाहर की आमद का ऐलान, पर हम लाहौर में क्या करेंगे जहाँ फॉगी खत्म नहीं हो रही है। कल हमने बात की थी इसके ऊपर और हमें पता लगा कि अभी तो आप लोगों को ऐसे ही रहना पड़ेगा, और जब बारिश भी हो रही होगी तो वो शिमाली इलाका जात में होगी, इधर अभी हमें इंतजार है। इस दफा हमें बाहर भी जो है ना जरा धुंधली धुंधली सी मनानी पड़ेगी, यहाँ पे दिखाई ऐसे दे रहा है, लेट्स होप कि ऐसा ना हो। अच्छा, पंजाब वालों को ना और लाहौर वालों को एक और भी है, जब बहार आती थी, जश्न बहार होता था ना, तो बसंत होती थी जिसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और उससे कई जाने चली जाती थी। हुकूमत का एक फैसला है, इसमें मुख्तलिफ आरा मौजूद है, एक ये भी है और वो दूसरी भी है, जो जिसके साथ आप हैं आप उसके साथ रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हुकूमत का ये फैसला है। बलूचिस्तान में क्वेटा में सुना है कि इजाजत वजूद मिली है। अच्छा, तो हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं अभी कि क्वेटा में आज जश्न बहारा का त्यौहार जिसे बसंत कहते हैं मनाया जा रहा है। नौजवानों ने जाहिर है बहुत तैयारी कर रखी थी, हर तरफ जो है अपनी छतों के ऊपर उन्होंने अरेंजमेंट्स किए, जो टिपिकल अरेंजमेंट्स होते हैं, म्यूजिक भी होगा, खाना भी होगा, गेट टुगेदर भी होगा, यार दोस्त भी होंगे और बोकाटा की सदाएं भी होंगी। अच्छा, वैसे वहाँ पे भी मुझे उम्मीद है कि ऐसी बोकाटा की सदाएं होती होंगी, हमने भी छोटे होते देखा है जिस तरह से यहाँ पे शोर मच जाता था, पंजाबी ज्यादा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि वो ना बोकाटा यहाँ पे होता था और आपस में दो छतें हैं और मुकाबला चल रहा है और पीछे लग रहे हैं। खैर, मना नहीं सकते, किफायत अली से जान सकते हैं कि क्वेटा के लोग कैसे एंजॉय करते हैं। तो क्वेटा चलते हैं। हाँ, किफायत बताइएगा किस तरह लोग जश्न बहारा के इस त्यौहार को एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्वेटा में आज बहार का त्यौहार बसंत जो है वो इंतहाई जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। पिछले साल हमने देखा था कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से इस पर पाबंदी लगाई गई थी, तब इस बार जो है ये बताया जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर के साथ साथ जो है वो आप बसंत मना सकते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्वेटा के बाज़ारों में जो है वो पतंगे फरोख्त करने वाली जो दुकानें हैं इन पर नौजवानों का रश जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है, और यहाँ पर रंग बिरंगी पतंगे जो है वो खरीदी जा रही हैं। साथ ही साथ जो आसमान है वो भी रंग बिरंगी पतंगों से जो है वो इस वक्त भरा पड़ा है, और हम देख रहे हैं कि क्वेटा शहर में इस बार जो है वो बसंत को इंतहाई जोश जज्बे के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। चूँकि ये त्यौहार जो है ये बहार का त्यौहार है, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि आसमान भी रंग बिरंगी पतंगों से भरा पड़ा है, और साथ ही साथ जो छतें हैं वहाँ पर भी नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो ना सिर्फ मौसीकी के साथ साथ जो है वो इस त्यौहार को जो है वो मना रही है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कमाल जारी किए गए हैं कि आप तमाम तरह एहतियाती तदाबीर के साथ साथ जो है वो बसंत मना सकते हैं, जिसमें धाती जो तार है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसके अलावा लाउड स्पीकर जो है उसकी ममानियत होगी, और साथ ही साथ जो है वो जो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल करते हुए जो है वो आप बसंत जो है वो मना सकते हैं। तो इस हवाले से ये जो फैसला था ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि आप बसंत मना सकते हैं एहतियाती तदाबीर के साथ, तो इस पर नौजवानों ने खुशी का भी इजहार किया, और साथ ही साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्वेटा शहर के तमाम तर छतों पर जो है नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो बसंत का ये रंगारंग जो त्यौहार है इसको मना रही है, और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि तमाम तर जो इंतजाम हैं वो भी किए गए हैं पुलिस की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। चंद एक मकाम पर जो एहतियाती तदाबीर है उसके हवाले से कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, तमाम चूँकि ये त्यौहार जो है ये मौसम बहार की आमद का जो है वो पता बताती है, तो इस हवाले से नौजवान तबका जो है क्वेटा का वो बहुत खुश है कि उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया ने इस बार जो है उन्हें बसंत मनाने की इजाज़त दे दी है। दूसरी जानिब जो बाज़ार है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पतंगे फरोख्त करने वाली जो दुकानें हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश है, लोग अपनी पसंद की पतंगे ख़रीद रहे हैं, इसके साथ डोरें खरीदी जा रही हैं, और हर छत पर जो है वो बोकाटा की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दी जा रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी, बोकाटा की सदाएँ जो है वहाँ पर सुनाई दी जा रही हैं। किफ़ायत ने अपनी बात नहीं की, लेकिन उनके ना लग रहा था जिस तरह से वो बात करते हैं खुद भी बहुत एक्साइटेड है, एक्साइटेड। हाँ, तो दिल हुआ बोकाटा जो है ना, सिर्फ पतंगे ही बोकाटा नहीं होती, बहुत सारे दिल भी इस दिन जो है बोकाटा होते हैं, लेकिन अब तो चूंकि त्यौहार बड़ी ज्यादती की उन लोगों ने जो धाती तारे जो है वो इसमें डाली, और इतना लगता था इतना खूबसूरत ये जो एक रंगारंग हमारा फेस्टिवल था, एक त्यौहार था, वो बिल्कुल खत्म करना पड़ा लोगों की लापरवाही और बेएहतियाती की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है, और खुद हमने ये जो है त्यौहार खत्म किया क्योंकि हमने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। तो क्वेटा में हम उम्मीद करते हैं कि आज जिस तरह एहतियाती तदाबीर के साथ बसंत मनाई जा रही है तो ख्याल इस बात का रखा जाएगा और सब लोग सेफ रहेंगे। बिल्कुल हमजा, जब बाकी मुल्कों में त्यौहार मनाए जाते हैं ना मुख्तलिफ, तो मेरा दिल दुखता है फिर कि हम अपने त्यौहारों को क्यों ऐसे ख़राब कर देते हैं। सो एहतियात जहाँ पे ये लोग मना रहे हैं और इन्हें इजाज़त है ज़िले इंतजामिया की तरफ से, वहाँ एहतियात बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पर इजाज़त नहीं है उसके जिम्मेदार हम खुद, हमें अपने रवैये बदलने की। क्वेटा में फुल पेचे लगाएं, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।